हेलो दोस्तों, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चार ऐसे फ्लर्टी सवाल या फ्लर्टी क्वेश्चन जो आप उस लड़की से पूछ सकते हो जिस लड़की को आप पसंद करते हो, जिस लड़की को आप चाहते हो। आप अगर उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हो कि आप उसे चाहते हो तो आप ये सवाल कर सकते हो, बट शर्त ये है कि आपको उस लड़की के साथ ये सवाल एक ही बार में नहीं पूछने हैं, गैप करके करके पूछना है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि लड़की आपको चाहती है कि नहीं चाहती, और लड़की को भी काफ़ी हद तक आपकी फीलिंग का अंदाज़ा हो जाएगा। ये सवाल आप किसी भी लड़की से पूछ सकते हो जो आपकी दोस्त भी हो सकती है, आपकी क्रश भी हो सकती है, या आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, ठीक है। गर्लफ्रेंड से पूछोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो आपको कितना प्यार करती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, तो दोस्तों ये सवाल आपको अपनी क्रश से पूछना है। इससे क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि लड़की आपके बारे में क्या सोचती है, कहीं वो आपको लाइक तो नहीं करती है। आपको उससे जाके पूछना है कि यार कल ना मैं एक लड़की को प्रपोज़ करने वाला हूँ, और उसका नाम भी ना तुम्हारे नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से या फर्स्ट अक्षर से ही शुरू होता है। तो प्लीज़ यार कोई ऐसा आइडिया बताओ जिसे वो मना ना करे, या जब भी मैं उसे प्रपोज़ करूँ तो वो मेरे प्रपोज़ल को रिजेक्ट ना करे, प्लीज़ यार कोई बताओ ना। तो दोस्तों ये सवाल सुनते ही पहले तो लड़की शॉक्ड हो जाएगी, ठीक है। उसी के माइंड में सबसे पहले यही ख्याल आएगा कहीं आप उसे ही तो प्रपोज़ नहीं करने वाले हो कल, ठीक है। वो आपके बारे में ही सोचने लगे, कहीं आप उसे ही तो प्रपोज़ नहीं करोगे। और इसके बाद वो आइडिया तो बता देगी, बट जब भी आपसे बातें करके वो अकेली बैठी होगी या फिर घर में अकेली होगी, तो उस टाइम पे उसके माइंड में सिर्फ आपका ही ख्याल आएगा, वो सिर्फ आपके बारे में ही सोचेगी। और अगर लड़की आपके बारे में सोचती है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो भी आपको चाहती है। इससे क्या होगा कि आप उस लड़की को यानी कि अपनी क्रश को अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हो। अगला सवाल है, तो दोस्तों ये सवाल आप उस लड़की से पूछ सकते हो जिस लड़की को आप चाहते हो, आप पसंद करते हो। इससे क्या होगा कि ये सवाल जब आप पूछोगे तो उसकी फीलिंग्स का आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आपके बारे में क्या सोचती है। आपको उससे पूछना है कि यार तुम्हें तो बहुत से प्रपोज़ल आते होंगे ना, अगर मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँ कि क्या तुम हाँ बोलोगी। दोस्तों ये सवाल ऐसा है कि ये एक तो सबसे पहले ये सवाल जब आप करोगे तो उस लड़की के फेस पे क्यूट से स्माइल आएगी, ठीक है, वो मुस्कुराएगी और फिर आपके बारे में कहीं ना कहीं सोचेगी, ठीक है। अगर वो कुछ नहीं बोलती है या मुस्कुराती है तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि उसके दिल में भी आपके बारे में या आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है, आपकी गाड़ी पटरी पर आ सकती है। अगला सवाल है, तो दोस्तों ये सवाल आप किसी भी लड़की से पूछ सकते हो, चाहे आपकी दोस्त हो, आपकी क्रश हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो, ठीक है। आपको उससे पूछना है कि यार तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है, कि तुम दिन पर दिन इतनी खूबसूरत क्यों होती जा रही हो। इससे क्या होगा कि ये सवाल जब आप पूछोगे तो यहाँ पर इनडायरेक्टली आप उस लड़की को अपनी फीलिंग्स बताओगे, और उस लड़की को भी यहाँ पर उसे अपनी तारीफ लगेगी कि आप ना कहीं उसकी तारीफ कर रहे हो, तो वो ना सातवें आसमान पर होगी कि आप उसकी तारीफ करें, क्योंकि लड़कियों को अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। और वहीं जब आप उसकी तारीफ इस तरीके से करोगे तो चार चांद लग जाएंगे। अगला सवाल है, दोस्तों ये सवाल आप किसी भी लड़की से पूछ सकते हो जिस भी लड़की को आप चाहते हो। आपको पूछना है कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत और सुंदर लड़की को प्रपोज़ करने के लिए लड़कों को क्या क्या करना होगा, ठीक है, क्या क्या करना चाहिए जिससे तुम उन्हें मना ना करो, उन्हें एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। और मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी जैसी ही सुंदर लड़की को प्रपोज़ करूँ। दोस्तों ये सवाल जब आप करोगे तो इससे क्या होगा कि जब आप ये सवाल उससे करोगे तो एक तो वो इंटरनली इतनी ज़्यादा खुश हो जाएगी, वो मन ही मन अपने आप को स्पेशल फील करने लगेगी कि मैं बहुत ही स्पेशल हूँ या मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। तो दोस्तों ये चारों सवाल आप किसी भी लड़की से पूछ सकते हो, चाहे अपनी क्रश से, चाहे अपनी गर्लफ्रेंड से, या जिस लड़की को आप पसंद करते हो उसकी फीलिंग्स जानने के लिए, या उसके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है ये जानने के लिए, या इनडायरेक्टली उसे प्रपोज़ करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।